दोस्तों जी आप खाना शुरू कर दें, आपके शरीर में कभी भी कोई दर्द नहीं होगी। जोरों का दर्द हो या घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कभी नहीं आएगा। साथ में आपके शरीर में कभी भी थकावट नहीं होगी, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। यह शरीर को इतना ज्यादा ताकतवर बनाकर रख देगा। हम शरीर को बुढ़ापे का नाम कब देते हैं? जब शरीर में दर्द रहने लग जाता है, कमजोरी रहने लग जाता है और उम्र से पहले आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, बाल झड़ने लग जाते हैं और हड्डियां कमजोर भुरभुरी होने लग जाती हैं। शरीर में कहीं ना कहीं थकावट बना रहता है। आराम करने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से होने लगती है। दोस्तों इनमें जो सबसे ज्यादा जरूरी मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं वो हैं कैल्शियम और आयरन, विटामिन सी। दोस्तों ये सारी जो है वो हमारे शरीर में मिल जाएंगी सिर्फ या एक पत्ती जो आप मैं बता रही हूँ आज उसे सही तरीके से अगर लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों ये आपके शरीर में इतना ही नहीं खून की कमी को दूर कर देगा, साथ ही में आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा, मैग्नीशियम की कमी नहीं होने देगा, जिसके वजह से आपके हड्डियां कमजोर हो रहे हैं और साथ में यह आपके शरीर में ताकत का भंडार बना देगा। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उम्र से पहले आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, बाल नहीं झड़ेंगे, बाल मजबूत हो जाएंगे, घने हो जाएंगे और आंखों की रोशनी भी जल्दी कम नहीं होगी। दोस्तों आइए जान लेते हैं यह कौन सा ऐसी पत्ती है और इसका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है। दोस्तों आज मैं पत्ती के बारे में जो बता रही हूँ उस पत्ती का नाम है मीठा नीम, जिसे हम करी पत्ता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों करी पत्ता का उपयोग बहुत तरीके से किया जाता है। आपने सुना होगा करी पत्ता की चाय बनाकर पी जाती है, करी पत्ता के बहुत सारे चीजों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसके साथ साथ आपको कोई मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर जब कमजोर हो जाता है तो आप इसे इतना ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं और आपके पास इतना वक्त भी नहीं होता कि आप अपने पर ध्यान दे पाए। तो इसके लिए आपको मैं बताऊंगी एक ऐसा तरीका जिसे अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और इस तरीके से आप अगर इसका लेना शुरू करेंगे तो आपके शरीर में सारी ही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आइए जान लेते हैं इसके पहले कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों करी पत्ता जो होता है यह पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो फ्री रेडिकल डैमेज को दूर करता है। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो ऐसे कि हमारा शरीर रोज ही काम करता है और शरीर जब काम करता है तो ये थोड़े बहुत गंदगी को शरीर में छोड़ देता है जिसको बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर में यह गंदगी फैल जाए अगर हर जगह तो यही बीमारियों का कारण बन जाती है। जिस प्रकार से हम घर में कोई भी काम करते हैं और घर में गंदगी होती है तो हम झाड़ू लगाकर या पोछा लगाकर उसे साफ करते हैं, उसी प्रकार से यह एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के सफाई करता है। ये जितने भी फ्री रेडिकल नाम के गंदगी शरीर में इकट्ठा होते हैं उसको यह एंटीऑक्सीडेंट बाहर निकालता है। इसीलिए आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। तो ये पत्ती जो है आपको मदद करने वाली है, शरीर की सफाई करेगी और यहाँ तक कि आपकी खून की भी सफाई करेगी। अगर लीवर में गंदगी हो गई है तो ये लीवर को भी साफ करने में मदद करेगी। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बार बार मुंह में छाले बन जाते हैं, बार बार उनको मुंह में घाव हो जाते हैं, पेट में गर्मी हो जाती है, सीने में गर्मी हो जाती है, जलन होता है शरीर में, तो ये उसको भी दूर करने का काम करेगा। दोस्तों ये पत्ती आपके शरीर में एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स का काम करता है। इसका मतलब यह है कि शरीर में अगर आपको चीनी की बीमारी है, कमजोरी रहती है, आपका खून जो है वो बार बार मीठा होता चला जा रहा है तो इसको भी यह साफ करने में मदद करता है। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मीठापन हो जाता है, खून में मीठापन हो जाता है तो ये फैट का रूप ले लेता है, मोटापे का रूप ले लेता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है और यह हमारे नसों में जाकर इकट्ठा होने लग जाता है जिससे नसें ब्लॉक होने लग जाती हैं और ये हार्ट को खराब करने लग जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक की समस्या आने लग जाती हैं। तो इसीलिए हमारे शरीर में इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो ये खून में जमा गंदगी जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, उसको यह बाहर निकालता है जिससे खून में जमा गंदगी हमारे हार्ट डैमेज से बचा लेती है। दोस्तों इसमें ऐसे कंपाउंड होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमारे हार्ट के मजबूती के साथ साथ ये हमारे शरीर में अगर स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से अगर समस्या आ रही है तो ये उसको भी दूर करते हैं। यानी अगर आपको बेवजह चिंता फिक्र रहता है तो भी आपको इस पत्ती को लेनी चाहिए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कुछ नहीं खाते फिर भी शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, उनके लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें अच्छे मात्रा में
फाइबर होता है। दोस्तों इस पत्ती में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसे आपने सुना होगा इन्फ्लामेशन की वजह से गठिए का दर्द, अर्थराइटिस का दर्द हो जाता है, शरीर में अकड़न होती है, हाथ पैर में सूजन होने लगता है। तो इस पत्ती का अगर सही तरीके से इस्तेमाल हम करेंगे तो इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से ये सारी समस्याएं, गठिए का दर्द, जोड़ों के दर्द को भी दूर कर देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके कितने फायदे हैं। दोस्तों ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, जो हमारे नर्व्स के लिए अच्छा है, नसों को मजबूती देने के साथ साथ तंत्रिकाओं को मजबूत बनाता है। और कैल्शियम होने की वजह से यह हमारे दांतों के लिए अच्छा है, दांतों को झड़ने नहीं देता, बालों के लिए अच्छा है, बालों को मजबूती देता है, उम्र से पहले बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं, तभी तो हमारे दक्षिण भारत में इसे हर खाने में मिलाकर लिया जाता है और इसका वह भरपूर फायदा उठाते हैं, जिससे यह समस्याओं को शरीर से कम करने में मदद करता है। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ उसे उस तरीके से अगर आप लेंगे तभी आपके शरीर में सही तरीके से काम करेगी। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपको बासी मुंह बिना कुछ ब्रश किए हुए आपको 5 से 6 पत्तियां ले लेनी है। ये बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाती है। कड़ी पत्ता को मीठा नीम बोलते हैं, इसकी पत्ती को धो लें और मुंह में डालकर इसे चबा चबा के धीरे धीरे आपको खानी है, ताकि आपके मुंह में लार बने और धीरे धीरे आप इसे घोटे। ये जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर जाएगा यह काम करेगा, लेकिन इसके बाद आपको एक चीज लेना आवश्यक है, तभी यह आपके शरीर में काम करेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है, जो हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है। और आप सभी जानते हैं कि शरीर में जब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो शरीर में थकावट होने लग जाता है, कमजोरी आने लगता है, आलस आने लगता है, रात को नींद नहीं आती है, मन घबराता है, छोटी छोटी बातों को हम भूल जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और भी कई सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन आयरन यानी हेमोग्लोबिन को बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो होता है विटामिन सी, यानी खट्टी चीजें। अब आपको पता होगा या आपने कहीं से सुना होगा कि खट्टी चीजें गठिए के दर्द में नहीं खाई जाती है, बात बिल्कुल सही है, जैसे कि अचार हो गया, ये सारी चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। लेकिन नींबू एक ऐसा चीज है जिसका अगर आप सेवन करेंगे तो आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। नींबू क्या होता है कि वैसे तो ये खट्टा होता है जैसे आंवला भी, तो अगर आप इसे खाते हैं तो ये शरीर में खट्टापन से नुकसान नहीं करता, इस फायदा ही करता है। तो अगर आप नींबू चाहे आंवला कोई एक चीज आप इसके खाने के बाद, आप नींबू अगर ले रहे हैं तो गुनगुने पानी में 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर इसे आप पी लें, तभी यह आपको सही ढंग से काम करेगी और शरीर पत्ती का काम आयरन को कमी को दूर करने में मदद करेगी। और अगर आप इस तरह से नींबू नहीं ले सकते तो एक आंवले का चूर्ण ले लें, आंवले का चूर्ण आप गुनगुने पानी में 1/2 चम्मच चूर्ण मिलाकर ले लें या एक आंवला को आप खा लें, इसके लेने के बाद तभी आपके शरीर में ये सारी समस्याएं दूर होने लग जाएंगी और यह आपके शरीर को या हड्डियों को उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होने देगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना नहीं जाएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।